अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस गाड़ी की डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इट्स अ जैपनीज ऑटोमेटिक टोयोटा प्रियस। सो इसके ऑनर की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप इजीली इस गाड़ी को अप्रोच कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की डिटेल वीडियो को। टोयोटा प्रियस ऑटोमेटिक जैपनीज हाइब्रिड कैटेगरी की ये कार है जो कि 2010 का मॉडल है और इसकी इम्पोर्ट है 2014 की। इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन के साथ ये गाड़ी अवेलेबल है जिसमें 1800 सीसी की इंजन कैपेसिटी प्रोवाइड की गई है और इसकी अब तक की ड्रिवन माइलेज है 3,55,000 किलोमीटर्स और इस गाड़ी की जो डिमांड की जा रही है दैट इज 42 लाख। फ्रंट साइड को बहुत ही अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड की गई है जिसमें ग्रिल्स के सेक्शन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है। हेडलाइट्स आर अवेलेबल इन अ वेरी यूनिक शेप और बहुत ही जबरदस्त कंडीशन में इसकी हेडलाइट्स अवेलेबल हैं और इसके बॉटम में टर्निंग इंडिकेशंस और फॉग लैंप्स का फीचर भी प्रोवाइड किया गया है। बैक साइड को भी बहुत ही अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड की गई है जिसमें बैक साइड का व्यू क्लियर करने के लिए वाइपर की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके बैक स्पॉइलर में ब्रेक लाइट्स को इंडिकेट करने का फीचर प्रोवाइड किया गया है और ब्रेक लाइट्स की कंडीशन भी बहुत ही जबरदस्त है इन अ वेरी यूनिक शेप। ड्राइविंग साइड के डोर में क्रोम का लीवर और क्रोम की स्ट्रिप इसकी लुक को मजीद खूबसूरत बना रहे हैं और फैसिलिटीज में अवेलेबल हैं पावर विंडोज, विंडोज एंड डोर लॉकिंग अनलॉकिंग फीचर विद इंस्टॉल्ड स्पीकर एंड बॉटल होल्डर। बैक साइड के दोनों डोर्स भी सेम कलर के इंटीरियर के साथ अवेलेबल हैं और फैसिलिटीज में प्रोवाइड की गई है पावर विंडो एंड इंस्टॉल्ड स्पीकर। सो ओवरऑल जो चारों डोर्स की इनर कंडीशन है वो बहुत ही जबरदस्त है। सो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूं मैं ड्राइविंग सीट पे एंड हियर इज द की। मल्टी कलर्स के इंटीरियर के साथ इसका तमाम तर रूम बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है। डैशबोर्ड का टॉप सेक्शन जो है बेहतरीन कंडीशन में प्रोवाइड किया गया है जिसके दोनों एजेस पे स्पीकर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है और इसके मिड सेक्शन में अवेलेबल है डिजिटल स्पीडोमीटर। सेकंड सीटर की सेफ्टी के लिए एयरबैग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है विद एसी ग्रिल और इसके साथ मौजूद है एक स्टोरेज बॉक्स और इसके बॉटम के सेक्शन में भी एक स्टोरेज बॉक्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। मिड के सेक्शन में प्रोवाइड की गई हैं दो एसी की ग्रिल्स, एंटरटेनिंग पैनल जो कि बटन और नॉब शेप की मदद से ऑपरेट किया जा सकता है और इसके बॉटम में मौजूद है एसी पैनल जो कि बटन शेप की मदद से ऑपरेट किया जा सकता है विद द फैसिलिटी ऑफ ऑटो ट्रांसमिशन लीवर, पार्किंग मोड एंड पुश स्टार्ट बटन। ड्राइविंग साइड पे प्रोवाइड की गई है एसी की ग्रिल और इसके बॉटम में मौजूद है हेडलाइट्स की बीम को एडजस्ट करने के लिए रोटेटर और रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। स्टेयरिंग इज अवेलेबल इन अ वेरी गुड कंडीशन जिसमें मल्टीमीडिया को ऑपरेट करने के लिए कुछ फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसकी मदद से आप अपनी राइड को सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं। क्रोम की स्ट्रिप्स इसकी लुक को मजीद खूबसूरत बना रही हैं और एयर बैग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है फॉर सेफ्टी पर्पस और चौथा एयर बैग अवेलेबल है राइट साइड के पिलर में। और इसी के साथ ऑब्जर्व करते हैं स्पीडोमीटर की कंडीशन आफ्टर टर्निंग ऑन द कार। सो दिस इज अ स्टार्टअप, बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया इसके स्पीडोमीटर को जिसमें तमाम तर माइनर ऑब्जर्वेशंस को इजीली नोट डाउन किया जा सकता है और डिजिटल स्पीड रेंज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। फ्रंट पे लेग स्पेस की बात की जाए सो इट इज वेरी वाइड एंड अनफ, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसके पैडल्स को बहुत इजीली अप्रोच कर पा रहा हूं एंड आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली एट द ड्राइविंग सीट। फ्रंट दोनों सीट्स फैब्रिक के स्टफ में अवेलेबल है विद टू एडजस्टेबल हेडरेस्ट और काफी कंफर्टेबल स्टफ है इसकी सीट्स का। इन सीट्स के मिड में जो पैनल प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे मौजूद है आर्म रेस्ट की फैसिलिटी जो कि मूवेबल कंडीशन में है और इसकी इनर स्टोरेज को भी आप अवेल कर सकते हैं लिड को रिमूव करके जिसमें एक कप होल्डर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है और इसके साथ मौजूद है एक मजीद कप होल्डर की फैसिलिटी जिसे लिड की मदद से कवर्ड किया गया है। ड्राइविंग साइड पे मौजूद शेड मिरर की फैसिलिटी के साथ अवेलेबल है जिसमें ऑटो लाइट ऑन ऑफ का फीचर भी प्रोवाइड किया गया है और सेकंड सीटर साइड के शेड में भी सेम कंडीशंस और सेम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और इन दोनों शेड्स के मिड में प्रोवाइड किया गया है लाइट पैनल विच इज इन वर्किंग कंडीशन विद द फैसिलिटी ऑफ अ बॉक्स जिसमें आप अपनी ग्लासेस को भी कैरी कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूं मैं गाड़ी की बैक सीट पे और आपको बताता चलूं आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली। लेग स्पेस आप देख सकते हैं इट इज टू मच वाइड, काफी इनफ लेग स्पेस प्रोवाइड की गई है बैक साइड पे। फ्रंट दोनों सीट्स की बैक साइड पे ये फीचर अवेलेबल है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट से लैपटॉप को इजीली कैरी कर सकते हैं। बैक सीट्स फैब्रिक स्टफ में अवेलेबल हैं विद थ्री एडजस्टेबल हेडरेस्ट और काफी कंफर्टेबल स्टफ है इसकी सीट्स का। इन सीट्स के मिड में एक पैनल प्रोवाइड किया गया है जिसको आप ऑपरेट कर सकते हैं आर्म रेस्ट के तौर पे और इसमें दो कप होल्डर्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बैक साइड के पैसेंजर्स के लिए रूफ में अवेलेबल है लाइट पैनल विच इज इन वर्किंग कंडीशन और बैक साइड के पैसेंजर्स के लिए दोनों साइड्स पे एक एक एयर बैग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सो टोटल इस गाड़ी में 6 एयर बैग्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। ऑब्जर्व करते हैं बूट स्पेस में मौजूद स्टोरेज कैपेसिटी एंड दिस इज द टोटल बूट स्पेस विच इज टू मच वाइड और इसके अंदर लगेज की एक बहुत ही इनफ क्वांटिटी इजीली कैरी की जा सकती है। बट अगर लगेज की क्वांटिटी को इंक्रीज करना हो तो बैक सीट्स फोल्डेड कंडीशन में अवेलेबल है बिकॉज इसके बूट का एरिया भी इसके रूम का हिस्सा है, इट इज नॉट सेपरेटेड। ऑब्जर्व करते हैं इसके इंजन सेक्शन में मौजूद मैकेनिकल वर्क की कंडीशन। इट्स अ प्रॉपरली मेंटेन्ड कार सो इसका तमाम तर मैकेनिकल वर्क जो है वो बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है
एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स लिड। सो व्यूअर्स, ये थी इस गाड़ी की तमाम डिटेल्स जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं आपकी स्क्रीन पे। यहां पे करते हैं इस वीडियो को क्लोज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड अल्लाह हाफिज़।